हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो, अच्छा बोल दियो रख दिया, ये शास्त्रीय संगीत है कि गा लिए और हो गया। हरी शरण में, हे शरण में, शरण में, शरण में रख दिया जब माथ, शरण तो वो आपका सुर नहीं सुनने वाले, क्या गाया, वाह 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 वाह, इसको बनाया जाए राजा, ये बहुत बढ़िया गाया, कुछ नहीं। रावण भी संगीत विशारद था, लिरिक्स भी, लिखने वाला भी और गाने वाला भी महाराज, और अपने गुरुजी से डमरू बजाने भी बहुत बढ़िया सीखा था, भोलेनाथ से, कम थोड़ी था। तो संगीत विशारद था, बहुत सुंदर गाता था, तब तो बहुत बढ़िया था। जब भगवान के सामने आया और भगवान 31 बाण निकाल के तैयार थे कि एक भेदेंगे यहां पर नाभि में और 30 की जगह और बना दी थी, तो उस समय शुरू कर देता अगर बढ़िया संगीत विशारद, भोले ओ भोले, तो हनुमान, तो राम जी माफ कर देते, क्षमा कर देते, वाह राम जी और जल्दी करते कि तड़ से मारो इसको, खत्म करो। तो ये सुर काम नहीं आएंगे, ये राग काम नहीं आएंगे, ये जो तुम्हारे जीवन में कोई उपलब्धि है, तुम अच्छा गा लेते हो, अच्छा नाच लेते हो, अच्छा इंजीनियर हो, बड़ा सा सोफा घर में रख करके दरवाजा छोटा बना देते हो, अब निकलेगा कैसा इसका कुछ पता नहीं है। अगर ये सब हो तो इससे भी भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, सबको अच्छा लग रहा है, सभी गा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, कितने तो भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं सुनते सुनते। गाड़ी में एक आदमी रोने लगा, हम कह रहे भाई मत रो नहीं, एक्सीडेंट, ड्राइवर, हम कह तू मत रो, धुंधला दिखेगा आगे चल चला जाएंगे, मामला हो जाएगा खराब। तो शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, अच्छा रख दिया, हाँ तो कल ही प्रणाम किए थे कि नहीं गुरुजी को, हम पूरा मुंडी नीचे करके प्रणाम किए थे, और प्रणाम करते वक्त क्या सोच रहे थे, सबका बात सुनते हैं, हमारा ही नहीं सुनते हैं, ठीक है तो हम भी देखेंगे। अब भारे माथ, भारे शरण, ये तो स्पेशल शरण और स्पेशल माथ, ये प्रणाम है, ऐसे प्रणाम का परिणाम भी बड़ा खतरनाक होगा, ध्यान रखना। प्रणाम ही तय कर देता है कि परिणाम क्या होगा। सर रख दिया, अखरोट रख दिया, झुकने का अर्थ इतना ही है कि हे प्रभु इस अखरोट में बहुत कुछ भरा हुआ है, दिन भर इन कानों ने पता नहीं क्या सुना, आंखों ने क्या देखा, नासिका ने क्या ये ली, जिह्वा ने क्या बोला, पता नहीं क्या खाया, सब आपके शरण में रखता हूं। सब इंद्रियां, सब मन बुद्धि चित्त, सब आपके शरण में है, सोच इत्यादि सब आपकी शरण में है। इसलिए इन प्रणामों का कोई महापुरुष के ऊपर कोई असर पड़ता भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो पूतना कम संस्कार में आई थी क्या, पूतना के संस्कार जब ब्रज में आई, जरा पढ़ो भागवत को, क्या संस्कार हैं, लोग भी प्रणाम कर रहे हैं, वो भी किसी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, बड़ों को, हाँ दीदी प्रणाम, अरे बहन जी बस मैं तो ऐसी ही हूं, बहुत भावुक हूं भीतर से, वो भी आई थी लक्ष्मी सा स्वरूप बना के आई थी, ब्रजवासियों को धोखा हो गया कि लक्ष्मी साक्षात आ गई हैं, लोग कन्हैया को नारायण कहते थे, पक्का विश्वास है ये है, तभी देखने आई,
वो भी इठलाती चली आ रही है, प्रणाम करते और प्रणाम करवाते। पर ठाकुर जी के पास आई तो ठाकुर जी ने परिणाम तय कर दिया। उन सब प्रणामों से ठाकुर ने प्रणाम का परिणाम तय कर दिया। तो आप भी जब प्रणाम करते हो तो परिणाम तय हो जाता है। इस झुकने का अर्थ है, अभी तो घोटू छाप प्रणाम होता है, घोटू वाला जो प्रणाम होता है ये वाला, और ठीक है यही बात है। बहुत लोग कहते हैं ना कि इसकी इसकी बुद्धि घुटने में है, तो हो सकता है प्रणाम करने वाले उसको बुद्धि जगाते हों कि जाग बुद्धि जाग, यही छूते हैं, ज्यादा नीचे छू भी नहीं पाते लोग, ऐसा प्रणाम। अब यही बुद्धि रहती है, उसको जगाते हैं कि जग भाई कब जगेगा तुम। नहीं तो प्रणाम का तो हमारे शास्त्रों में जितना लंबा आपका शरीर है, 3.5 हाथ का शरीर सबका होता है, अब फुट फाट नाप लो, कोई 6.5 का है, कोई 4.5 का है, उतनी दूरी से महापुरुष को प्रणाम करना चाहिए, उतनी दूरी से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और वो भी मस्तक नीचे करके। मस्तक नीचे, इस गगरी में जो जो भरा था सब उड़ेल दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानु श्रुत स्वभावात्। हे नाथ, सब आपके चरणों में,